Assalamualaikum students, welcome back to my Bright Bulb Academy. तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलो, good हो गया. So what are the basis of classification? चलो ये तो माना कि हम लोग classification करते हैं, ठीक है? लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिनकी basis पर जो है ये classification होती है? तो सबसे पहले तो organisms की similarities और dissimilarities की base पे हम उन्हें classify कर देते हैं. जो microbes हमें लग रहा होता है कि उनकी characteristics मिल रही हैं, हम उन्हें एक तरफ रख देते हैं और जो different लग रहे होते हैं उन्हें दूसरी तरफ रख देते हैं. इसके अलावा उनकी morphology, metabolic enzymes की base पे, यानी कि उनकी physical appearance क्या है या उनका structure कैसा है, अगर वो दिखने में सेम सेम लग रहे हैं तो उन्हें एक तरफ रख दिया. इसके अलावा जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ की बेस पे अगर लग रहा है उनके दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से हम उनको सेम कैटेगरी में रख सकते हैं. उनके राइबोसोमल आरएनए की शेप पे, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेस पे. तो ये मेन रीजन हैं, सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़, मॉरफोलॉजी, मेटाबॉलिक एंजाइम्स, स्ट्रक्चर्स, फिजिकल अपीयरेंसेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक सिमिलैरिटीज़, राइबोसोमल आरएनए जेनेटिक्स या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनकी बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो है राइट एंड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो किंगडम्स पड़े हुए हैं, टू किंगडम्स, फाइव किंगडम्स, ये बेसिकली वही क्लासिफिकेशन की बात हो रही है. तो यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग था मैंने इसको जब पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको स्लाइड्स की फॉर्म में तैयार किया है. वो आपको काफ़ी ईजी होगा तैयार करना, मैं आपको वहीं पर ले जाती हूँ. लेकिन यहाँ पर ये एमसीक्यू आपने याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. इसके अलावा जो किंगडम्स हैं वो मैं आपको नीचे समझाऊँगी, वो आपको ईजिली समझ में आएगा. यहाँ पर कॉर्डलेस लीनस उसका फुल फॉर्म है, कॉर्ड लीनस शॉर्ट फॉर्म है. तो 1735 में कॉर्ड लीनस ने जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम था, जिसे आप फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हो, जिसमें किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे थे, जिसमें यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता था. लेकिन ये उस दौर की बात है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए, क्योंकि हम उन्हें अपनी आम आँख से तो देख नहीं सकते थे. उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी और माइक्रोस्कोप अभी वजूद में आया ही नहीं था. तो उस टाइम तक जो है हमें पता ही नहीं था कि बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स को या तो किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता था या किंगडम प्लांटे में रखा जाता था. उसके बाद 1857 में जो है कॉर्ल वन निगाली ने जो है बैक्टीरियाज और फंगाई, जब पता चला इनके बारे में कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे दरमियान, तो बैक्टीरियाज और फंगाई के बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास, हम इसके बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे. कॉर्ल वन निगाली ने डिसाइड किया कि उन्हें इसको प्लांट्स में रख दिया, किंगडम प्लांटे में रख दिया, ठीक हो गया. लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं. यानी कि ये किंगडम बेसिकली बनाया गया एक एक्स्ट्रा किंगडम, जिसमें उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता था जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और बाकी अल्काइर प्रोटोजोआ जो एक और तरह के स्पीशीज़ के बारे में जब पता चला तो इन सबको प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा. उसके बाद 1938 में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें उसने किंगडम मोनेरा ग्रुप किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके अंदर उसने बैक्टीरियाज और आर्कियाज को रखा, विच मीन्स के बैक्टीरियाज और आर्कियाज को फाइनली उनका किंगडम मिल गया था, ठीक हो गया. लेकिन प्रोटोजो, अल्गायर, फंगाई अभी भी किंगडम प्रोटिस्टा में थे. बैक्टीरियाज और आर्कियाज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए उनके लिए सेपरेट किंगडम बना दिया गया. ये जो मैं आपको जितने साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ और डेट्स बता रही हूँ, आपने ये ज़रूर याद करनी है, ये आपको एमसीक्यू में आएंगी, ठीक है. उसके बाद 1959 में क्या हुआ, फाइनली रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें उसने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे किंगडम फंगाई कहते हैं. और यहाँ पर जो प्रोटोजो अलगाई के साथ फंगाई रखा जाता था, प्रोटोजो अलगा और फंगाई, तो ये फंगाई जो है इसको फाइनली उसका अपना सेपरेट किंगडम मिल गया था. और किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजो अलगाए को रखा जाता था, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी थीं कि ये बाकी किसी भी किंगडम से मैच नहीं करती थीं, ये सबसे ज़्यादा यूनिक थी, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा. और इसके बारे में अभी इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. फिर किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया अर्काए, किंगडम फंगाई में फंगाई, और इस तरीके से सारे स्पीशीज़ और ऑर्गेनिजम्स को उनका पर्टिकुलर किंगडम मिल गया 1959 में. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने बनाया. या अगर आए तो 5 मार्क का आता है कि व्हाट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें वही चीज़ है कि रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है, जिसमें किंगडम प्लांटे में प्लांट्स, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स, किंगडम फंगाई में जो है जो सबसे आखिर में जो किंगडम बना था वो उसमें वो यीस्ट, मोल्ड्स और मशरूम्स को रखा गया. जो किंगडम प्रोटिस्टा था, यानी कि वो जो अननोन सा किंगडम था, वो बेसिकली उसके अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे उनको रखा गया था.
जबकि हमने पढ़ा है कि यूकेरियोट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि प्रोटिस्टा यूकेरियोट्स थे लेकिन यूनिसेलुलर थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा कितना अजीब किंगडम था। यही वजह है कि इसके अंदर बहुत जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा जाता था। तो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट फिट इन एनी अदर किंगडम आर प्लेस इन प्रोटिस्टा। तो जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं कर रहे थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जैसा कि अल्गाए, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड्स गया। और आखिर में जो किंगडम मोनरा था उसके अंदर बैक्टीरियाज और आर्कियाज को रखा गया। ये वही सेम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ ऊपर दी, बस मैंने इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और थेरी फॉर्म में लिखा हुआ है। जो नीचे सवाल आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो है व्हाट इज़ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने बनाया था? तो वो कार्ल वूज ने बनाया था। और कार्ल वूज कौन था? एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। उसने कब बनाया था? 1977 में बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो बैक्टीरियाज और आर्कियाज थे ना, जिन्हें किंगडम मोनेरा में रखा जाता था, जब इसकी मजीद स्टडी की तो पता चला कि बैक्टीरियाज और आर्कियाज एक ही किंगडम में नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। तो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया बनाया गया, जिसमें डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया में किंगडम आर्किया। और फिर जो तीसरा डोमेन बना वो डोमेन यूकेरिया बना, और उसके अंदर बाकी के रिमेनिंग जितने भी किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटे, एनिमलिया, प्रोटिस्टा और फंगाई, उनको रखा जाने लगा।